आपका चैनल एबीपी न्यूज उस वक्त आप तक बहुत बड़ी खबर पहुंचा रहा है। दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा है। जी हां, दिल्ली पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। दरअसल आसियान देशों के प्रतिनिधि जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि हैं, उनकी वजह से दिल्ली आतंकवादियों के टारगेट पर है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्जुन नगर कृष्णा नगर में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। आईईडी धमाके से हमला करने की आशंका है। दिल्ली पर आतंकवादी हमले का यह बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है। तो जामा मस्जिद का इलाका, बाटला हाउस का इलाका, कृष्णा नगर का इलाका, जहां छिपे हो सकते हैं आतंकवादी, आईईडी के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी। आसियान देशों के प्रतिनिधियों पर आतंकी हमले का यह बड़ा खतरा। आसियान समिट जो दिल्ली में हो रही है और इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे आसियान देशों के ये 10 प्रमुख, और उससे पहले दिल्ली पर आतंकवादी हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो भारत जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी से अपनी एक्ट ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है, और इसी सिलसिले में आसियान देशों के 10 आसियान देश जिनके प्रमुखों को बुलाया गया है इस बार गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर, उससे पहले आसियान समिट जो दिल्ली में हो रही है, और इस दौरान दिल्ली पर आतंकी हमले का ये बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है। और इसी को देखते हुए दिल्ली के अंदर सुरक्षा के बंदोबस्त अब पुख्ता किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। हर संदिग्ध जगह पर पुलिस तलाशी अभियान में जुटी हुई है। कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर आशंका है कि आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, और आतंकवादियों की रणनीति भी बताया जा रहा है इस बार बदली हुई हो सकती है अपने हमले को अंजाम देने में। हम सीधे रुख कर लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजन, दिल्ली पर बड़ा खतरा आतंकी हमले का? बिल्कुल, खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक दिल्ली पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा है, और खास करके जिस तरीके से आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा खतरा इस बात को लेकर है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति पर आईएस के हमले का खतरा हो सकता है। तो तमाम चीजों को आकलन करने के बाद खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा अलर्ट दिल्ली पुलिस को भेजा है, और उन संभावित जगहों का की जानकारी दी गई है जहां पर हमले हो सकते हैं, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हों या फिर भीड़ भाड़ वाले बाजार हो या फिर पब्लिक प्लेस हो, उन पर हमले हो सकते हैं। और उसको देखते हुए सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए कहा गया, और जो नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं आतंकी हमले के लिए, चाहे जिसमें कि लाउडस्पीकर में आईडी प्लांट करने की हो, तो उन तमाम चीजों की पुख्ता जानकारी और पड़ताल के बाद ही इन तमाम सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये अलर्ट आया है, जो इनपुट्स मिले हैं, खतरा काफी ज्यादा है, और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां भी काफी ज्यादा है। रोमाना, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।